हेलो गाइस, आज मैं फिर निकला हूँ अपने एक टूर पे, और जिस जगह मैं जा रहा हूँ आज उसे लघु केदार के नाम से जाना जाता है, और उस जगह का नाम है सल्ड महादेव। मंदिर में जाने का सबसे पहला रूल होता है कि बिना खाए जाए, भूखे पेट जाए, तभी मंदिर में जाने का फायदा होता है। पर मैंने तो खाना खा लिया यार, क्या फर्क पड़ता है यार। अपने को तो एक्सप्लोर करना है मंदिर, और मंदिर में जाके देखना है कि क्या है मंदिर में और क्या है इस मंदिर की खासियत। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। वैसे मुझे सुबह 6 बजे निकलना था यहाँ के लिए, पर क्या करूँ यार, नींद इतनी गंदी है कि आँखें नहीं खुली मेरी, और अब 9:30 बजे निकल चुका हूँ मैं इस मंदिर के लिए। सो मज़ा आने वाला है आगे। उल्टू जंगल है भाई, और जंगली जानवर के नाम पे कुछ भी दिख सकता है यहाँ पे। तो मुझे अभी एक सांप जैसी चीज दिखी है, जबकि जो कि सांप नहीं है, एक छिपकली है जिसे कहते हैं सांप की मौसी। आपको एक फैक्ट पता है कि पूरे भारत में सिर्फ 3 त्रिवेणी हैं, जिसमें से एक त्रिवेणी यहाँ सल्ड महादेव में मिलती है। सामने चारों तरफ बेल के पेड़ शुरू हो चुके हैं, और ऐसा कहते हैं कि बेल के पत्ते शिव भगवान को अर्पण किए जाते हैं। ITI हो रहा भारत निर्माण। मैं ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं उस मंदिर को देखने के लिए। कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तब से उछालो तैयार हो। मुझे अभी एक आम का पेड़ मिला है जिसमें बहुत ही भारी मात्रा में आम लगे हुए हैं, जिसमें से एक आम मैं अभी तोड़ने वाला हूँ। कच्चे आम खाने का मज़ा ही अलग है। मैंने एक आम तोड़ दिया है, और ये बहुत कच्चा है, इसे खाने में मज़ा आएगा। मैं खा ही देखता हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ प्राचीन पुराण महादेव शिव मंदिर सल्ड महादेव पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। आपका स्वागत है। मंदिर के परिसर में आ चुका हूँ, अब अंदर जाके देखता हूँ कि क्या है यहाँ का सीन। बहुत ज्यादा शांति है, बहुत ही ज्यादा। अरे शांति, ओ शिट मैन, मंदिर तो बंद है यार। अभी तो दोपहर में आऊंगा तो मंदिर बंद ही मिलेंगे यार, अंदर कैसे जाऊं। मंदिर तो बंद निकला, पर मैं उसके अंदर घुस के रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। सो मंदिर में जाने से पहले इस कुंड से नहाना बहुत जरूरी है, और मैं यहाँ नहाने जा रहा हूँ। जो मज़ा है वो कहीं भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हल्का फील कर रहा हूँ मैं इस टाइम। मंदिर के अंदर एंड बहुत शांति है इस मंदिर में, एंड मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो चट्टान, जिस चट्टान के बारे में लोग कथाओं में जिक्र किया गया है। बहुत ही पवित्र स्थान है, और यहाँ पे ये जो चट्टान है शिव भगवान की शिवलिंग कह सकते हैं। इस चट्टान के बारे में लोग कथाओं में वर्णन किया गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस मंदिर का, कि इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में किया जाता है, जो कि 3rd शताब्दी में लिखा गया था। तो बहुत ही बड़ी बात है इस जगह का, और यहाँ त्रिवेणी मिलती है, जो कि पूरे भारत में सिर्फ 3 जगह है इंक्लूडिंग दिस एरिया। और ये एक सिद्धिपीठ भी है भाई। सो एक चीज़ कॉमन होती है सभी धार्मिक स्थलों में, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, वो है पीस, शांति। सो इसी के साथ मैं निकल चुका हूँ अपने घर की ओर, और इस मंदिर को मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, और मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ कि ये मंदिर क्या है। ये मंदिर है, इस मंदिर का नाम है सल्ड महादेव, ये महादेव का मंदिर है। दूसरा, ये मंदिर है लघु केदार के नाम से जाना जाता है, यहाँ त्रिवेणी बनती है, स्कंद पुराण में इसका जिक्र है, और भी काफ़ी कुछ। पूजा पाठ करके ध्यान लगा के आ चुका हूँ, और मेरी बस आ चुकी है। सो भक्तावड़े जल्दी भाग, बस आ गई है और मुझे पकड़नी है।